आप देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। पंचायती राज चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर के बाद अब भरतपुर में टिकट को लेकर कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेस विधायक जाहिदा खान ने विधायक वाजिब अली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर बीजेपी समर्थक नेताओं को टिकट दिए हैं। वहीं वाजिब अली ने पलटवार करते हुए जाहिदा खान पर भ्रष्टाचार करने और टिकट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। संगठन प्रभारी को पत्र। कामा विधायक जाहिदा ने भरतपुर के संगठन प्रभारी वेद प्रकाश सोलंकी को चिट्ठी लिख कर वाजिब अली पर गंभीर आरोप लगाए। जाहिदा ने चिट्ठी में लिखा, कामा विधानसभा क्षेत्र में भरतपुर जिला परिषद के 6 वार्ड आते हैं। 6 में से 3 वार्डों में वाजिब अली ने फर्जी तरीके से टिकट बांटे। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 6 वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट की सिफारिश की। मुझे प्रभारी ने सिंबल सौंप दिया। नगर से विधायक वाजिब अली ने पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से मिलकर पैसे लेकर जिला परिषद की वार्ड 1, 2 और 36 में भाजपा समर्थित लोगों को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जिला परिषद सदस्य का नामांकन भरवा दिए। बाद में फर्जी तरीके से इन उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी के सिंबल भी दे दिए गए। समय रहते मिली सूचना। कामा विधायक जाहिदा का कहना है कि समय रहते जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और इस फर्जी काम से पार्टी को होने वाले नुकसान से बचाया। 3 वार्डों में फर्जी तरीके से टिकट देने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भरतपुर जिला परिषद के 37 वार्डों में से 6 वार्ड कामा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इनमें वार्ड नंबर 1, 2, 34, 35, 36 और 37 शामिल है। वार्ड संख्या 2 का आधा हिस्सा कामा और आधा नगर में आता है। पहले भी इन वार्डों में मेरी ही सिफारिश पर टिकट तय होते आए हैं। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक वाजिब अली का कहना है कि वार्ड नंबर 2 मेरी विधानसभा सीट नगर में आता है। कामा विधायक जाहिदा ने छल कपट करके गलत टिकट दिए। मेरी सिफारिश पर तय उम्मीदवार 3 दिन पहले ही नामांकन कर चुके थे। जाहिदा ने वार्ड से बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया जो बीजेपी नेता जगत सिंह का नजदीकी है। जाहिदा खान छल कपट और गड़बड़ियां खुद करती है और आरोप हम पर लगाती है। इतना ही नहीं, विधायक वाजिब अली ने तो यहाँ तक कह दिया कि जाहिदा खान उनकी लोकप्रियता से परेशान है। आए दिन कामा पहाड़ी क्षेत्र में एसीबी की रेड होती है, ये भ्रष्टाचार किसके इशारों पर हो रहे हैं। वाजिब अली ने यहाँ तक कहा कि जाहिदा खान छल कपट और गड़बड़ियों में लिप्त है। एक तरह से वे गड़बड़ियों का उद्योग चला रही है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की आपसी खींचतान रोज खुलकर सामने आ रही है। पहले जोधपुर में टिकट वितरण को लेकर मुख्यमंत्री के नजदीकी पूर्व सांसद बद्री जाखड़ प्रभारी रामलाल जाट पर आरोप लगा चुके हैं। सवाई माधोपुर जिले में विधायक अशोक बैरवा के भाई की पत्नी बगावत कर चुकी है। अब भरतपुर में पार्टी के 2 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं। चुनावों के दौरान अब पार्टी के सामने भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है।